बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। नाजरीन, आजकल कुछ 4-8 दिन से 15 दिन से अबर अबर है और हवाएं चल रही है, बहुत बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से सर्दी इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, ज़्यादातर बच्चों को हो रहा है। कुछ बच्चों को जो है कलों पर सूजन और गले में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको आजकल गाल फोगी कहते हैं, यानी कि गले कान के पास का जो कल्ला होता है वो सूज जाता है, गला और चेहरे पे सूजन आ जाती है कान के पास, उसको गाल फूगी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान इलाज है, लेकिन फिर भी लोग हॉस्पिटल के चक्कर कर रहे हैं और कुछ तो छोटे बच्चों को एडमिट भी कर दिया जा रहा है। मुझे एक जगह से फोन आया था कि बच्ची को ऐसा गाल फूगी हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं और एडमिट कर दिया है, जबकि इसका बहुत ही आसान इलाज है। सबसे पहले बच्चों को ठंडे चीज़ें जो है कुल्फी, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ना पिलाएं। ये चाहे कितनी भी गर्मी हो, ज़्यादातर ठंडे अशियाओं से बचना चाहिए, चाहे बड़े रहो चाहे छोटे रहो। और दूसरा काम ये करें कि अपने लहसुन का तेल जो सरसों में पका हुआ वो घर में अपने बना के रख ले, हमेशा काम आता है ये। उसको जब भी बच्चों को सर्दी हो उस तेल को जो है सो सीने पे, पीठ पर लगाए और कलों पर लगाए और उनको अच्छा गर्म रखे, तो इंशाल्लाह ये सर्दी इन्फेक्शन उनका कम हो जाता है। और रही बात ये गाल फोगी की, इसके लिए अगर छोटे मासूम बच्चे हैं तो उनके माँ बाप जो है सो सुबह उठना है और उनका खुद का थूक जो है सो बासी थूक निकालना है हाथ पे, फिर उस पे दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा पढ़कर बच्चे के गाल पे वो थूक लगा देना है। ये थूक के अंदर बड़ी ही शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, बहुत ही बेहतरीन जो है सो शिफा रखी है अल्लाह ने। और अगर कोई बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वही बच्चों को सुबह उठे बाद उनका ही थूक जो है सो उस पे दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा का दम पढ़कर वो कले पर लगाना है, तो इंशाल्लाह इससे उनके गाल फूगी का मसला हल हो जाएगा। एक 2-3 दिन में ही इसका ये मसला हल हो जाएगा। और बच्चों को अच्छा जो है सो गर्म रखे और उनको बारिश हुई करी तो उसमें भी भीगने ना दे। तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन पोजीशन देखकर, माहौल देखकर वीडियो बनाना पड़ा। तो आपसे गुजारिश है नाज़रीन कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को जिसको ये मसला है उनका मसला हल हो जाए। हम आपको आसान और बहुत ही घरेलू उपाय बताते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।